Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So guys, अभी मेरे हाथ में है एक चॉकलेट और ये चॉकलेट क्यों है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है इस चॉकलेट के ऊपर. इसका मैं टेस्ट बताने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि ये चॉकलेट इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का है. कहाँ का है वो सब मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले आपसे बातें करनी है, वो ये करनी है कि इतने दिनों से वीडियोज़ क्यों नहीं आ पा रही थी. इतने दिनों से वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पा रही थी, पहले रेगुलर आ रही थी, अब इतने दिनों से क्यों नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे को कोरोना का इंजेक्शन लगा था मुझे, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी. तो 4-5 दिन तो कोरोना के इंजेक्शन की वजह से नहीं बन पाई, मतलब 1 हफ्ते तक मान लो. उसके बाद कुछ बिजी हो गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी. अब रेगुलर वीडियोस आएगी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ. तो ये है चॉकलेट, देख सकते हो आप, ये है. तो इसका नाम है डेरी फाइन का होल नट. यस, डेरी फाइन का होल नट है. ये है चॉकलेट, देख सकते हो, डेरी फाइन का होल नट. तो इसमें क्या है, कितना अच्छा देख सकते हो, पैकिंग कितना अच्छा है, ब्लू कलर का है और बीच में, और होल नट जैसे नाम है तो इस पूरा का पूरा चॉकलेट नट का ही होने वाला है ऐसा लग रहा है. तो और ऊपर से इसकी खास बात पता है क्या है, ये पहले से खोला हुआ है. वैसे इसकी खास बात ये है कि ये चॉकलेट ना, ये चॉकलेट देख सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें, ये नट भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे, तो अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी सारा. ये देख सकते हो, ये ऐसा कुछ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और इसकी खास बात यह है कि जैसे अगर डेयरी मिल्क वगैरह लोगे तो वो ना ऐसे अगर तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं. अभी मैं फ्रिज से निकाल के लाया हूँ और ये देखो, मैं अगर इसको ऐसे तोड़ना चाहूँ आराम से टूट जाएगा, बिल्कुल आराम से. ये देखो, बिल्कुल आराम से टूट जाएगा. ये कितना ज़्यादा मस्त है ना, कितना ज़्यादा मस्त तरीके से टूट जाता है ये, बिल्कुल आराम से टूटता है. ये देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आराम से टूटता है. तो इसका टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है. और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चॉकलेट कहाँ से आई है. ये चॉकलेट आई है लंदन के पास, एक जगह है उससे करीबन 1 या 2 किलोमीटर दूर या थोड़ा ज़्यादा दूर, मुझे पक्का नहीं पता. वहाँ एक जगह है जिसका नाम है बिलिंगम या फिर बलिंगम, कुछ भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, यहाँ आया यहाँ कहीं तो डाल दूंगा मैं लिख के, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो यहाँ कहीं आ जाएगा आपको. तो वहाँ से ये चॉकलेट आया है, मतलब मम्मी के एक स्टूडेंट है, तो मतलब मेरे गिटार वाले टीचर भी हैं वो और मम्मी के स्टूडेंट भी हैं, तो वो लेकर आए थे. ये चॉकलेट का टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये चॉकलेट कैसा है. मस्त, एक नंबर है, बहुत ही ज़्यादा एक नंबर. और अगर डेरी मिल्क वगैरह या कुछ ऐसा खाओगे मतलब, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सारे चॉकलेट एक नंबर होते हैं, लेकिन अगर वो खाओ तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है. तो अगर किसी को ऐसा चॉकलेट पसंद है कि जो जल्दी पिघल जाए तो ये खा सकते हो आप. इसको मुँह में रखना और तुरंत पिघल जाता है, मस्त. और आपको एक और बात बता दूँ कि जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है या ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाता है उसको भी ये पसंद आ सकता है. कैसे? क्योंकि मेरी मम्मी को भी ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद, वो चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाते हैं. डेरी मिल्क ले आओ या कुछ ले आओ, उनको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ये आया था तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था उनको, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा था. तो आप लोगों में भी कोई अगर ऐसा है तो उसको चॉकलेट की पसंद ज़रूर आ सकता है. तो यही था कुछ छोटा सा वीडियो, और इसमें नट भी है देख सकते हो. तो यही था कुछ ये छोटा सा वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट, लव यू ऑल. Bye-bye.